अरे रोहित भैया, मेरी कप्तानी आपको कैसी लगी? हाँ, आखिरी मैच में मैंने धुआंधार ही मचा दिया, पूरा पूरी वाट लगा दी। हाँ खैर, अपने को हमको विकेट नहीं मिले सीमर्स को, लेकिन स्पिनर ने तो बहुत ही अच्छा कमाल कर दिया। हाँ कप्तानी करी तो तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, पर तू मेरे कप्तानी के छुड़ाने के पीछे लगा है यार, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। हाँ अच्छा प्रदर्शन करेगा तो भविष्य में तू बन जाना, लेकिन अभी तो मुझे कप्तानी करने दिया कर यार भाई। हाँ बाकी लोगों को भी मौका दिया कर, क्या कर रहा है तू? हाँ अरे रोहित भैया, मेरी बात सुनो, आप एक कप्तानी वप्तानी का जाने दो, और वो बिश्नोई कुलदीप वगैरह सब पैदल ही जा रहे हैं। हाँ अपना गांव अभी दूर है, ये अमेरिका से अपने गांव तक जाने में बहुत टाइम लगेगा, उनको पीछे बिठा लेते हैं, क्या बोलते हो? हाँ आपकी इस पे दो बिठा लो और मैं तीन बिठा लेता हूँ, और ये श्रेयस के कंधे पे दो जने आ जाएंगे, तो ऐसे अपने पूरे प्लेयर हो जाएंगे, और बाकी जो बचे हैं वो 2 हफ्ते बाद आएंगे। अरे सूर्या भैया, आप कुछ का कुछ मत बोलो यार, मेरे कंधे पे दो जने बैठेंगे तो मेरा कंधा टूट जाएगा। हाँ वो सब लोग फ्लाइट वाइट से आ जाएंगे। हाँ मेरी बात सुनो, और अपन चलते हैं बढ़िया, रुकते रुकते तो अपन पहुँचा ही जाएंगे समय तक अपने गांव में। हाँ क्या बोलते हो? और ये बार बार साइकिल का सफ़र अच्छा नहीं है। हाँ बाकी प्लेयर आ रहे हैं पैदल, अपन साइकिल से जा रहे हैं, और ये बैग का आधा सामान नीचे गिर रहा है। हाँ अरे वो सब जान दे, और तू पहले थोड़ा सा काले आ, तू वहाँ से भूखा ही निकला है, और अभी अपने को बहुत टाइम है, और मेरी साइकिल में हवा भी नहीं है, अभी हवा डलवाने की व्यवस्था करना पड़ेगा, नहीं तो गांव तक पंचर ही ले जाना पड़ेगा, क्या बोलते हो दोस्तों?